Hello and welcome to Kashmir Dispatch. जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से पूरे मुल्क भर में फैल रहा है। गांदरबल कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस डिज़ीज़ का, इस पेंडेमिक का मुकाबला जो है हर लेवल पर सोसाइटी को करना है और हर इंडिविजुअल को करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर। मैं गांदरबल ज़िले के बाशूर अवाम का बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और अथॉरिटीज़ के साथ पूरा तआवुन कर रहे हैं। जो लॉकडाउन लगा है पिछले दो दिन से, ये एक मजबूरी है कि जो ट्रांसमिशन है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो है इस डिज़ीज़ का, उसको ब्रेक करने के लिए। इसमें थोड़ी सी सख्तियाँ आवाम को ज़रूर आती हैं, हम वो रियलाइज़ करते हैं, और हमारी ये कोशिश रहती है कि जिस कदर, जिस हद तक पॉसिबल हो, हम लोगों की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो थोड़ा सा हम एड्रेस कर पाएँ। लेकिन ये एक लाजमी स्टेप है जो सरकार ने समझा है कि इसको करना चाहिए और हर इंडिविजुअल को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। यही एक तरीका है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा, यहाँ की जो पब्लिक है, बहुत उन्होंने होल हार्टेडली वैक्सीनेशन ड्राइव में हिस्सा लिया है, वो और भी तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है। अब जो एज ग्रुप्स में 18 अबव का भी रजिस्ट्रेशन होने लगा है शुरू, तो इसमें ये हमारा एक डिफेंस रहेगा इस डिज़ीज़ के खिलाफ। तो ये वैक्सीनेशन ड्राइव और बाकी जो कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं, वो आवाम को ज़रूर फॉलो करने हैं, जैसे मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ओवर क्राउडिंग नहीं करना है। इवन जो हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, वहाँ पर भी बहुत सोच समझ के और कम तादाद में जो है लोग जाएं, तो वो बेहतर रहेगा सबके लिए, क्योंकि यही एक तरीका है जो ट्रांसमिशन को हम किसी हद तक कंट्रोल कर पाएँ या रोक पाएँ। ये हर एक शख्स के लिए ज़रूरी है, और इन हजरात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए तो हम बिलखसूस ये अपील करना चाहेंगे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पुलिस की तरफ से बिलखसूस, कि जो ये एक इंडिविजुअल चॉइस नहीं है, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर अपील का कोई असर नहीं होता है, तो फिर ऑफ कोर्स जो इसमें लीगल प्रोविजंस हैं, कानूनी स्टेप्स हैं, वो हम फिर अमल में लाएंगे। लेकिन बेहतर और अफजल ये रहेगा कि लोग अपनी जिम्मेवारियां समझें कि ये आवाम के लिए है, ये सोसाइटी के लिए है, ये पूरी कम्युनिटी के लिए हैं ये स्टेप्स, तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर समझना चाहिए। मास्क के बगैर नहीं चलना चाहिए, उसमें हम फाइन्स भी करते आए हैं पिछले दिनों। ऐसे ओवर क्राउडिंग अवॉइड करनी चाहिए, और जैसे आपने कहा कि मसाजिद में भी कहीं कहीं ज़्यादा लोग, ज़्यादा तादाद में लोग जाते हैं नमाज अदा करने के लिए, वो चीज़ अवॉइड किया जाए। इसमें खुदा न खास्ता कोई ऐसी ये बात नहीं है, इसमें मजहबी रवायात भी मौजूद हैं। जब ऐसे वबा का जब टाइम होता है या हालात होते हैं, तो इसमें वो प्रोविजंस, मजहब में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है इस हवाले से।